उत्तराखंड के उधम सिंह नगर दिनेशपुर नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत कैनाल कॉलोनी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में नगर के लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सोमवार को संकल्प यात्रा कार्यक्रम का पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री विजय मंडल तथा निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार एवं राजस्व निरीक्षक लक्ष्मण राम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान विजय मंडल ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बिना किसी भेदभाव के मोदी सरकार और धामी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना एवं अधिकारियों को तत्काल समाधान करने को कहा। मंडल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की नगर के लोगों को शपथ दिलाई। दिनेशपुर में आयोजित संकल्प यात्रा के आयोजन में लोगों की भीड़ नहीं जुड़ी। सारी कार्यक्रम के दौरान पंडाल में कुर्सियां खाली नजर आईं। सिविल में आज नगर पंचायत के लिए मैडम ने सरोज वेतन में जो सिविल लगाए गए हैं इसमें सभी विभागों से आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। और जो आम मानस को एसएसपी मोदी जी ने जो लाभ दिए जा रहे हैं उनको साकार करना, जैसे कि सबके घर में जाके ये उपचार करना कि मोदी जी का नारा और मोदी जी का सबके पास सबका विकास और मोदी जी ने जो भी काम कर रहे आम मानस के लिए किए जा रहा है, जैसे कि पक्का मकान, शौचालय, जल गैस योजना और तमाम चीजों को मोदी जी आम मानस के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन अब इस लाभ को सभी घर तक पहुंचे और सभी से यही निवेदन करूंगी कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने रहे और हमारे साथ ऐसा मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री होना चाहिए और देश की विकसित भारत बनाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।